जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर, और साथ में हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो उनको अभी स्वागत है हमारी इस क्लास में। मैं लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश के पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान की क्लास। ये क्लास सामान्य विज्ञान है जो कि पटवारी की और हिमाचल पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहने वाली है और पटवारियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। तो इस क्लास को शुरुआत कर रहा हूं। दूध का पीएच मान क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पीएच से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा 6.4। अब पीएच क्या है, देखिए पीएच जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है, जो कि हर किसी को एसिडिक और बेसिक यानी कि अलग अलग भाव में मापता है। देखिए पीएच यानी कि जल का पीएच मान कितना है, क्या है जल का पीएच मान कितना है, तो वो है 7। जल का पीएच मान कितना है, 7 है मेरे मित्रों। नेक्स्ट आया सिरका, सिरके का पीएच मान कितना है, 3। मानव रक्त बहुत बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ब्लड का 7.4। नींबू का 2.4, नमक का 7 होता है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं हम, लार में पाए जाने वाला पीएच जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। एचसीएल का जो है वो 0 होता है, एचसीएल कैपिटल में होगा एचसीएल। आंसुओं में सल्फर होता है इसलिए 7.4। अम्लीय घोल का जो है वो 7 होता है पीएच मान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे पीएच मान से यानी कि पीएच वैल्यू से, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो परफेक्ट करने हैं। इसी प्रकार से रासायनिक सूत्रों का सवाल लेकर आया हूं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। साधारण नमक, साधारण नमक जो है यानी कि इसका सूत्र क्या है, NaCl। सोडियम क्लोराइड, सी कैपिटल रहेगा इसमें भी, टाइपिंग मिस्टेक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम Na और क्लोराइड का Cl, क्लोरीन का। इसी प्रकार से सूत्रों में लेकर आया हूं धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आर्मी अग्निवीर में भी ये सवाल आते हैं, जरूरी नहीं है कि हिमाचल पुलिस के लिए आए, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है धोने का सोडा। नेक्स्ट आता है चूने का, जो चूने का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। नेक्स्ट आता है सिरके का CH3COOH। एस्टिक एसिड यानी कि तनु घोल भी कहा जाता है इसको। खाने का सोडा, जो खाने का सोडा होता है इसका फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस का जो है वो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिहाज से। इसी प्रकार से लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होगा नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट आ गया चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसका सूत्र होगा यानी कि केमिकल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आ गया दही, C3H6O3 जो है वो इसका फॉर्मूला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है खोजों पर भी कई बार पूछते हैं, जैसे कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज जो है वो एफ बैटिंग ने की, किसने की, एफ बैटिंग ने। अब देखिए किसने कब कौन कौन सी की है, देखिए जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको अनुवांशिक कूट में ही, जेनेटिक कोड में ही इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। पैरा बैंगनी किरण, फिनसेन ने जो है अल्ट्रावायलेट रेस की खोज की है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की है। विटामिन की खोज फंक ने की है।
किसने की है? फंक ने की है। और बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की है। इसी प्रकार से पेंसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और फ्लोरे। तो मैक्सिमम जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही आंसर आता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने कानों में लगाते हैं, स्टेथोस्कोप, इसकी खोज किसने की है? लेनेक। क्लोरोफॉर्म की जेम्स हैरिसन ने की जो है इसकी क्लोरोफॉर्म की खोज की है। टेरामाइसिन की खोज जो है फिनेल ने की है। इसी प्रकार से आयरन लंग्स की जो खोज है वो किसने की है? फ्लिप ड्रिकर ने की है। किसने की है? फ्लिप डिकर ने की है। इसी प्रकार से आगे है यूरेनियम की खोज किसने की है? तो मार्टिन क्लाप्रोथ ने की है यूरेनियम की खोज। नेक्स्ट आते हैं विज्ञान के ही आविष्कारक हैं, ये भी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने की है, अमोनिया की खोज एफ जी हेवर ने की है, प्रोटॉन की खोज देखिए बहुत बार आया है, कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव को देखिए हर बार आया हुआ सवाल है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की है। और गोल्डस्टीन हिमाचल पुलिस वाले याद रख सकते हैं, गोल्डस्टीन ने जो है नलवाड़ी मेला भी शुरुआत की थी जो हिमाचल के बिलासपुर में मनाया जाता है। तो ओजोन, ओजोन की खोज किसने की है? देखिए ओजोन की है क्रिपियन स्नोवैन ने, स्कोनवैन ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? डेनियल रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन की किसने खोज की है? जे प्रिस्टले। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? कैविडिश। फास्फोरस की खोज किसने की है? ब्राड ने। और क्लोरीन की खोज शीले जो है इसके आविष्कारक थे। इसी प्रकार से जो है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको अगर सही लग रहा है तो कमेंट करिए इस वीडियो को और साथ साथ में बताइएगा। तो लैटिक एसिड की जो है वो खोज की है। अब मैं अम्लों से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, जैसे कि नींबू संतरा अंगूर, इन सब में साइट्रिक अम्ल होता है। नोट कर लीजिएगा सभी 1-1 पॉइंट्स। कच्चे सेब में कौन सा है? मैलिक एसिड है। इमली में कौन सा है? टार्टरिक एसिड है। सिरके में कौन सा है? एस्टिक एसिड है। अमाशय यानी कि लीवर की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। टमाटर में कौन सा है? ऑक्जैलिक एसिड है। क्या है? ऑक्जैलिक एसिड होता है। तो ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और बने रहिएगा हमारे साथ विजयपथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे, या आप हमारी ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पर बने रहिएगा, इसी प्रकार से देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।